राजनाथ सिंह पीजीपी का वो बड़ा नाम जो अपने कम बोलने के स्वभाव से वह हिंदी भाषा के अच्छे अनुचर से लोगों के बीच काफी चर्चित हैं। राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1955 में उत्तर प्रदेश के एक किसान परिवार में हुआ। उनके पिता रामबन सिंह और माता गुजराती देवी थे। इन्होंने भौतिक विज्ञान से मास्टर डिग्री गोरखपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वो भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से 13 साल की उम्र में जुड़े। उसके कुछ सालों बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1971 में उन्होंने सावित्री सिंह से विवाह किया। इनके 3 बच्चे हैं, 2 पुत्र पंकज सिंह और नीरज सिंह और बेटी अनामिका सिंह। राजनाथ सिंह को 1975 में इमरजेंसी के दौरान 18 महीने की जेल हुई। 1980 में भाजपा की स्थापना के 3 साल बाद उन्हें उत्तर प्रदेश पार्टी का सचिव बनाया गया। 1984 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष चुने गए। 1986 में भाजपा से राष्ट्रीय महासचिव चुने गए। 1988 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1991 से 1992 में कल्याण सिंह सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे। उस दौरान उन्होंने नकल विरोधी कानून बनाया, जिसमें नकल करने वाले छात्रों को जेल भेजने का प्रावधान किया गया, जिसे लोग आज भी कल्याण सिंह की सरकार में शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा मानते हैं। 1994 से 1999 में पहली बार राज्यसभा में सदस्य चुने गए और संसद पहुंचे। सन 2000 में 2 सीटों से चुनाव लड़ा, हैदरगढ़ और बाराबंकी, दोनों से जीत हासिल की और सबसे ताकतवर नेता बनकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। 2003 में दोबारा राज्यसभा सदस्य चुने गए, लेकिन राजनीतिक कारणों से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी मायावती के हाथों में चली गई और वो वापस कृषि एवं खाद मंत्री बने। 2009 में गाजियाबाद से लोकसभा चुनाव जीता। 2013 में 1 लोकसभा सीट जीती और फिर से भाजपा के पार्टी अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी का उपयोग देश की संस्कृति को ख़त्म कर रहा है। तब एक विवाद सा छिड़ गया था। 2014 के चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की और राजनाथ सिंह को गृह मंत्री का पद दिया गया। इन्होंने एक सच्चे और ईमानदार नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से साझा और अपने पद का सही इस्तेमाल किया। अब देखना यह होगा कि 2019 में महासंग्राम चुनाव में राजनाथ सिंह अपने कम बोलने व हिंदी के अच्छे अनुचर से किस प्रकार लोगों को प्रभावित करते हैं। क्या वो भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक तरफा जीत दिलाने में सक्षम होंगे? आप अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिए।